कंटिन्यू करती रही, क्योंकि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, वहाँ से एंट्री होती है। 1837 तक जो है ये राजभाषा के तौर पे रही। उसके बाद जब उन्होंने लगा कि जाए हिंदी के बल पे इन्होंने संस्कृत को उसको अंग्रेजी को विकसित कर लिया, क्योंकि जो इनके इनके जो हिमायती थे और जो विवेकानंद माने जाते थे अपने अंग्रेजों के समाज के, सर विलियम। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी पूरी दुनिया में हिंदी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। लेकिन एक शख्स आए हैं हमारे यहां जंतर मंतर पर, वो पुरजोर तरीके से बात का विरोध कर रहे हैं कि जो 10 जनवरी की तारीख है उसका हिंदी के संघर्ष के इतिहास से कोई लेना देना है नहीं। पूरी तरीके से इतिहास को दरकिनार करके, पूरी तरीके से संघर्ष को दरकिनार करके के एक रैंडमली एक दिन चुन लिया गया 10 जनवरी और उसको हिंदी दिवस बना दिया गया। ये पूरी तरीके से अन्याय है हमारे इतिहास के साथ और बहुत ही गलत है, इसलिए इसका विरोध करते हैं। सर आपका नाम क्या है? सुरेश चंद्र शर्मा नाम है, मथुरा से हूँ मैं। मथुरा के लोग तो बहुत ही ज्ञानी और प्रेम भाव वाले होते हैं। ये जैसे लगता है शुरू में कि आप तो जैसे ऐसे लगता है कि हिंदी का ही विरोध कर रहे हैं या हिंदी दिवस का विरोध कर रहे हैं। लोग ये समझ जाते हैं शायद हिंदी भाषा का विरोध कर रहे होंगे, लेकिन असल जो लब्बोलुआब क्या है आपका जंतर मंतर? वो ये है कि 10 जनवरी का कोई इतिहास नहीं है, 14 सितंबर का कोई इतिहास नहीं है। सबसे बड़ा प्रामाणिक इतिहास है 18 अप्रैल 1900 का है, जब उत्तर प्रदेश में हिंदी सरकारी कामकाज की भाषा बनती है। 1900 का यानी 122 साल हो गए जब हिंदी जो है सरकारी कामकाज की भाषा बनती है। और ये संघर्ष 63 वर्षों के संघर्ष के बाद में आता है, जब 1837 में राजभाषा के पद से फारसी हटती है और अंग्रेजी प्रस्थापित होती है। और 1837 से के पहले पहले जो है हिंदी की उंगली पकड़ के अंग्रेजी चली थी, क्योंकि अंग्रेजी उस समय विकसित नहीं थी। और अंग्रेजों के जो विवेकानंद थे, मतलब फारसी को हटाना था तो अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया हिंदी का, हिंदी की बैसाखी लेकर अंग्रेजी को इस्टेब्लिश कर दिया। मतलब जब अंग्रेज यहाँ पे आए, फारसी पहले से राजभाषा थी, तो राजभाषा के तौर पर 1837 तक कंटिन्यू करती रही, क्योंकि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, वहाँ से एंट्री होती है। 1837 तक जो है ये राजभाषा के तौर पर रही। उसके बाद जब उन्होंने लगा कि जाए हिंदी के बल पर इन्होंने संस्कृत को उसको अंग्रेजी को विकसित कर लिया, क्योंकि जो इनके जो हिमायती थे और जो विवेकानंद माने जाते थे अपने अंग्रेजों के समाज के, सर विलियम जोन्स, उन्होंने कहा था कि और तो सब ठीक है, भारत में हमने शासन कर लिया, विजय हासिल कर ली, लेकिन उनकी भाषा का हम जो है मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो हमारे जो काम काज हैं वो सरकारी अंग्रेजी में नहीं हो सकते हैं। और अंग्रेजी उस समय बहुत ही गिरी स्थिति में थी, लंदन में कुलियों की भाषा हुआ करती, जैसे आज ग्रामीण लोग देहाती भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी की वो स्थिति कि वहाँ लैटिन चला करती थी। तो उस अंग्रेजी को वहाँ से उठाया उन्होंने, यहाँ थोप दिया। हाँ, उस अंग्रेजी विकसित किया उन्होंने। और जब पहले उन्होंने जब सिक्के ढाले गए तो उसमें देवनागरी लिपि में ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा होता, देवनागरी में, हिंदी में। और जो चीफ जस्टिस हुआ करता था जो सुप्रीम कोर्ट का, उसकी मोहर पे लिखा होता था सदर दीवानी अदालत की मोहर। आज आप चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं, और उस ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदी की, मतलब उन्होंने धीरे धीरे अंग्रेजियत को देश पर लाद दिया, जो अब बोझ हो गई। अंग्रेजी को उन्होंने जो है चलना फिरना सिखाया, हिंदी की उंगली पकड़ा करके अंग्रेजी को चलना फिरना सिखा रहे हैं अंग्रेज लोग। और इस तरीके से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है सिक्कों पे अंग्रेजी हिंदी का उपयोग किया, और सदर दीवानी अदालत, और जो गवर्नर जनरल जो मालिक होता था उसकी मोहर पर भी सदर रियासत लिखा होता था देवनागरी में। आप ये समझिए, वहाँ से हिंदी की उन्होंने जो प्रतिष्ठा को जो बढ़ाया। उसके बाद जब अंग्रेजी इस लायक हो गई कि उसको जो है दर्जा दिया जाए, तो उन्होंने फिर हिंदी और फारसी को हटा करके, क्योंकि फारसी राजभाषा थी, और तब उन्होंने अंग्रेजी को स्थापित किया। और जब ये फारसी जब आ गई तो जो दस्तावेज रखने वाले थे वो सब जो है फारसी वाले थे, तो उन्होंने जो फारसी और हिंदी का संघर्ष वहाँ से शुरू होता है। तो उन्होंने पर्सियनाइजेशन करना शुरू किया हिंदी का, तो वो बहुत से ऐसे शब्द जो आज मिलते हैं, आप देखेंगे नगला चंद्रभान है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय का जो गाँव है, तो वो नगरा शब्द है, वो रेफ को नगर यानी नगरा
नगर बड़ा होता है, नगरा छोटा होता है, तो नगरिया भी छोटा होता है। रेफ को लाम में कन्वर्ट किया, नगला हो गया, आज भी नगला चल रहा है। ऐसे ही वहाँ गोवर्धन में आप जाएंगे तो वहाँ चक्र उसके साथ एक तरीके से वो किया, सांस्कृतिक जो है उसके साथ छेड़छाड़ शुरू हुई। और इस छेड़छाड़ का पहला विरोध 1838 में फ्रेडरिक जानसोर जो फरुखाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट जज थे उन्होंने किया था। वहाँ से हिंदी का संघर्ष शुरू होता है। अभी हिंदुस्तान की लड़ाई बहुत दूर है, अभी हिंदी की लड़ाई यहाँ से शुरू होती है। और उसके पीछे ये अंग्रेज जिनको हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया है, फ्रेडरिक ये एफएस ग्राउज, इन्होंने श्री रामचरितमानस का 1880 में 82 में अंग्रेजी अनुवाद किया था और इन्होंने जो है उसका इसका प्रतिवाद किया। फिर ये सारा जो संघर्ष इकट्ठा होकर के मदन मोहन मालवीय के समय तक आया, तो उन्होंने एक ज्ञापन तैयार किया कोड करेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन के नाम से, और 104 पृष्ठों में इसका जस्टिफिकेशन जो है उन्होंने दिया कि इस सूबे की भाषा हिंदी है, यहाँ श्रीव सागर और रामचरित मानस जैसे महाकाव्य हैं उस भाषा में, फिर भी सरकारी कामकाज में उसको दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है। तो इस पर 2 मार्च 1898 को उन्होंने एक ज्ञापन दिया था पेरल मैकडोनल्ड को, और उसके बाद में सरकार ने 18 अप्रैल 1900 को नैनीताल, उस समय सरकार दो जगह हुआ करती थी, गर्मी का समय था तो वो सरकार नैनीताल में थी, वहाँ से राजाज्ञा निकली कि हिंदी को सरकारी कामकाज का दर्जा दिया जा रहा। वो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हाँ मतलब उत्तर प्रदेश का ही संघर्ष, यूनाइटेड प्रोविंस था उस समय। हाँ उत्तर प्रदेश की संघर्ष की बात करें, उत्तर प्रदेश से ही तो मतलब हिंदी का ज़्यादा लिंक है, और उसका संघर्ष कितना अजूबा है, कितना अजूबा संघर्ष, जिसके लिए 63 वर्ष तक ये लड़े ये सारे लोग, और उसके बाद में हिंदी को जो दर्जा मिला उस तारीख को तो हमने भुला दिया। हाँ। और ये 10 जनवरी और जो 14 मतलब उस तारीख होती तो लोग इतिहास पढ़ते, अगर वो तारीख ही नहीं है। और उस तारीख को लाने वाले के का आज हम भारत रत्न दे चुके हैं उनको, आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उनके नाम से जो उनके उनके हैं सब कुछ है, तो उनके कृतित्व को हम क्यों आगे ना बढ़ाएं। और 2006 से हमने मनाना शुरू किया, अभी विश्व हिंदी दिवस कोई बहुत पुरानी बात, हिंदी दिवस 2006 से मनाना शुरू किया है और 1949 में ऑफिशियल डे। कौन आदमी है जो इस तरह के चीज़ें डिसाइड करता है, क्या बुद्धिजीवियों की राय नहीं ली जाती जब कोई दिवस डिक्लेयर करते हैं? यही राय है कि आज सारे दुनिया में विश्व हिंदी दिवस मनाया, यही राय है, क्योंकि कोई जाना नहीं चाहता है, कोई उसमें प्रवेश नहीं करना चाहता। नागरी आंदोलन का बहुत बड़ा इतिहास है, कितने विश्वविद्यालयों ने रिसर्च किया, कितने विश्वविद्यालयों में इतिहास पढ़ाया जाता है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इससे अनजान था कितनी गहराई से है, क्योंकि जैसी शिक्षा होगी वैसे तो ज्ञान होगा, तो जब उसमें कोई रिसर्च नहीं होगा, मतलब अटपटे ढंग से आपके चीज़ों को तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा कर दिया जाए, इससे आप खुद ही कंफ्यूज हो जाए। आप देखिए कि भाई जब हम आज़ाद हो गए तो यही हुआ था कि हिंदी, आप ये देखो, आप आचार्य केशव चंद्र सिंह ने 1857 में कह रहे हैं हिंदी राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा का मुद्दा जो है बंगाल से उठ रहा है। लेकिन राष्ट्रभाषा को पॉलिटिक्स की तरह भी यूज़ कर लेते, क्योंकि हिंदी है, हिंदी भारत को भाषा से आप नहीं जोड़ सकते, भारत की संस्कृति से आप जोड़ते हो उसको, तो संस्कृति में घाट घाट पे बोली बदले मतलब पानी, और कोस कोस पे बोली बदले घाट घाट पे पानी, जब इस तरह का भाव रहता है और हिंदी के भी बहुत सारे रूप मिलते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ बीच का रास्ता तो चाहिए, क्योंकि ये देश सिर्फ भाषा से ही देश बनेगा ऐसा तो नहीं है ना। इस देश में सब चीज़ की स्वतंत्रता है, पूजा पद्धति की स्वतंत्रता है, भाषा की स्वतंत्रता है, और तमिल तेलुगू इतनी एशियंट मतलब ये तो इतना रिच कल्चर है, तो एक कैसे कर देंगे आप? ये विश्व की समस्या है, भारत की नहीं है। हाँ। विश्व में जितने भी देश आज़ाद हुए ये हमारी समस्या नहीं है, क्योंकि हम उस बात पर विवाद करते ही नहीं है। हाँ। क्योंकि हमें एक जैसा होने में एकता लगती नहीं है, हमें तो डिफरेंशिएशन में भी अच्छा लग जाता है। आपका प्रश्न बहुत माकूल है, बहुत अच्छा है, इसका जो है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये समस्या पूरे विश्व की रही है। हाँ। चीन जब एक राष्ट्र बनता है तो वहाँ भी बहुत सी भाषाएं हैं, सोवियत रूस राष्ट्र बनता है वहाँ भी बहुत सी भाषाएं हैं, इंडोनेशिया राष्ट्र, हम चीन की कल्चर से या यूरोप की कल्चर से अपने उनकी तरह के सिस्टम से अपने देश को नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ तो बाय फोर्स सब चीज़ होती है। क्या हम अगर ऐसा करेंगे अपनी संस्कृति के साथ, जहाँ पे ज़बरदस्ती हम एक भाषा को करेंगे, तो द्वंद्व होगा, क्योंकि वहाँ इतनी विविधता को दबाने का वहाँ पर सिलसिला है। अब जैसे अंग्रेजी को 1830 में राजभाषा बनाया गया, तो और भाषाएँ मर तो नहीं गईं, सब जिंदा रही ना, तो ऐसे ही अगर आज हिंदी को राजभाषा बनाया जाएगा तो और भाषाएं मरेंगी तो नहीं, जिंदा रहेंगी। ये चीज़ के लिए पहले आपको समझना होगा, जनमत बनाना होगा, क्योंकि क्योंकि अगर एक देश की पूरे देश की भाषा को तो नहीं कह सकते हिंदी, आप मैं साउथ की भी बात करेंगे हम तो बहुत नॉर्थ ईस्ट की भी बात करेंगे तो बहुत जगह ये बात सही है कि हिंदी ज़्यादा बोली जाती है और ज़्यादा इसका रिच इतिहास है। जो राष्ट्रभाषा का कॉन्सेप्ट है वो मैं ये बता रहा हूँ, विश्व का जो उदाहरण दे रहा हूँ कि जब नेशनलिज्म की जब भावना उठी तो एक नेशनल लैंग्वेज जरूरी हो गई। हाँ। और राष्ट्र के लिए 3 तत्व माने गए, एक तो नेशनल बाउंड्री, नेशनल लैंग्वेज और नेशनल एम्ब्लेम।
तो ये जो तीन तत्व थे उसमें आज आप देखिए कि पाकिस्तान के पास में नेशनल लैंग्वेज है, बांग्लादेश के पास में नेशनल लैंग्वेज, भारत के पास में क्यों नहीं है? राष्ट्र की परिभाषा भी जो यूरोपियन परिभाषा से आप इंडियन कल्चर को, भारतीय, भारत की परिभाषा, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट भारतीय है, राष्ट्र जो है कोई यूरोपियन शब्द नहीं है। राष्ट्र आया है जो राष्ट्रीय संगमनी वसु नाम चिकित्सा, ये सब सप्तशती में आप आता है, और पूरा ग्रंथ आप उठाकर देखेंगे तो राष्ट्र का भाषा जैसा कुछ नहीं, ये संस्कृत राष्ट्रभाषा है। आज संस्कृत का जो सम्मान है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राष्ट्रभाषा रह चुकी है, लैटिन राष्ट्रभाषा है क्योंकि लैटिन राष्ट्रभाषा रह चुकी है इसलिए उसका सम्मान है, और हिंदी जिस दिन राष्ट्रभाषा बनेगी उस दिन उसका सम्मान होगा। जब तक उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिलेगा उसका सम्मान नहीं हो सकता। और ये कॉन्सेप्ट गलत है कि दूसरी भाषाएं मर जाती हैं। जब अंग्रेजी राष्ट्रभाषा बनी तो दूसरी भाषाएं क्या मर गई? क्या नहीं मरी? जब पर्शियन राष्ट्रभाषा बनी तो दूसरी भाषाएं मर गई? क्या नहीं मरी ना? तो जब हिंदी राष्ट्रभाषा बनेगी तो और भाषाएं कैसे मर जाएंगी, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं ये बात इस तरीके से कि इस पे पॉलिटिक्स भी बहुत होती है भाषा की, पूरा देश का जो पूरी देश का जो एक तरह का पॉलिटिकल वातावरण है वह भाषा के ऊपर इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, और बाई फोर्स इस देश में कुछ हो नहीं सकता। अगर तेलुगु की बात करें, तमिल की बात करें, बहुत पुरानी भाषाएं, संस्कृत के टाइम की भाषाएं हैं और बराबर सबको सम्मान मिलता जा रहा है, लेकिन वो बीच का रास्ता क्या है? राष्ट्रभाषा का मतलब ये होता है कि पूरे देश में ऐसा जो संदेश जाता है ना उसका, कि पूरे देश में उसको इस्तेमाल किया जाएगा। राज्यभाषा के तौर पे तो हिंदी है जैसा आपको पता ही है, लेकिन ये प्रश्न जो है साउथ में पटेल साहब से पूछा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, तो उन्होंने कहा भाई हमारे तो ये जो गुरुवायूर हैं यही सब कुछ है, ये जो कहते हैं हम तो वही माने। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी उन्होंने कही थी, गुरुवायूर ने कहा तुमने स्वीकार कर ली। मतलब आपका कहने का मतलब है कुछ हमें मुश्किल डिसीजन लेने होंगे? मुश्किल डिसीजन नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में उसका पॉलिटिसाइजेशन नहीं हुआ इसलिए नेशनल लैंग्वेज बन गई, बांग्लादेश में पॉलिटिसाइजेशन नहीं हुआ इसलिए लैंग्वेज, मतलब राजनीति पॉलिटिसाइजेशन हुआ इसलिए नहीं बनी। हाँ। और जब तक नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी भारत नेशन नहीं बन सकता। हिंदी की दुश्मन पॉलिटिक्स से आप कह रहे हो, राजनीति की वजह से हिंदी नहीं बनी, वरना कौन किसका दुश्मन है? लेकिन ये सीधी सी बात है, 70 साल तक हम नेशनल लैंग्वेज नहीं बना पाए फिर किस बात का अमृत महोत्सव मना रहे हैं? देखिए बहुत गंभीर बात कर रहे हैं कि बगैर जो है राष्ट्र गूंगा होता है, महात्मा गांधी कह रहे हैं, और फिर भी हम अमृत महोत्सव किस बात का मना रहे हैं? बहुत गंभीर बात कह रहे हैं कि राष्ट्रभाषा के बगैर राष्ट्र गूंगा होता है। राष्ट्रभाषा का महत्व है अपना, लेकिन उसका सिनारियो देखना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा, एक मत बनाना पड़ेगा, एक राय बनानी पड़ेगी, और देश के अंदर सर्वसम्मति से कुछ भी हो ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे देश को एक राष्ट्रभाषा मिले। वो हिंदी मिले इसकी बहुत ज़्यादा संभावना होनी चाहिए, लेकिन ऐसी भाषा मिले जो सबको स्वीकार्य हो, और ज़्यादा सबको ना हो लेकिन सब ज़्यादा विरोध भी ना हो, इस तरह से उसको बनाया जाए। और जो ये बात कर रहे हैं कि 10 जनवरी को जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस का ये विरोध कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा तार्किकता है, दूसरा जो हिस्सा है उसमें कुछ सवाल हो सकते हैं, लेकिन इस बात में तो कतई कोई संदेह नहीं है कि 10 जनवरी को जो इंटरनेशनल हिंदी दिवस मनाया जा रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसका उससे इतिहास से कोई सरोकार नहीं है। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद जय भारत।